हाय एवरीवन, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। उससे पहले आपको क्या करना है बता दो, मैं क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, अभी लाइक करें वरना भूल जाएंगे आप लाइक करना। तो आज हम न्यू पैटर्न में बहुत ही खूबसूरत से एक थालपोश लेकर आए हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे अच्छी बात है इतने कम टाइम में बन जाता है, सिंपल सा पैटर्न है। तो हमने कलर यूज़ किया है स्काई ब्लू, और दूसरा कलर आप लोग कॉमेंट करके बताएँ कौन सा है। आप अपने पसंद के कोई भी कलर ले सकते हैं, दो कलर में बना सकते हैं, एक कलर में, तीन कलर में, चार कलर में, जैसे आपको पसंद हो वैसे बना सकते हैं। तो प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये थालपोश कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए उसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी प्रेस जरूर करें, ठीक है। तो चलिए वे स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने वाला कलर लेकर स्टार्ट करना है। तो हमने 11 नंबर की क्रोशे हुक से बनाया है, ठीक है। अगर आपके पास 11 नंबर का नहीं है, 9 नंबर का है, तो उससे भी बना सकते हैं। तो ये 11 नंबर का है और इससे बनाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से स्लिप नॉट करेंगे और पांच चेन बनाएंगे यहाँ पर हम, 1 2 3 4 5, पाँच चेन बना के फर्स्ट वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। तीन चेन बना ली, ठीक है। इसको एक काउंट किया, वापस इसके अंदर डालेंगे और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे हो जाएंगी। फिर से बनाएंगे इसके अंदर तो 3 हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो सारी वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। काफ़ी सारे लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर देखें। और मैं आपको बता दूँ, आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलने वाली हैं। तो अभी फ्री में सब्सक्राइब हो रहा है चैनल, कर लें। एक बार पैसे जाने लगे फिर आप नहीं कर पाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इस रिंग के अंदर हम 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 20 डबल क्रोशिया हमने बनाई हैं। ये 20 बनाने के बाद इसमें डाल के इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये 20 डबल क्रोशिया हमने बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो के लिए 3 चेन बना के सेम इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके पास वाली चेन में एक बनाएंगे यहाँ पर, और वापस इसी जगह एक और बनाएंगे तो ये 2 हो जाएंगे। देखिए यहाँ बनाएंगे 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 बनाएंगे, इसमें 2 बनाएंगे, इस रो में हमें जितनी भी चेन है हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो बना के दिखाते हैं, तो 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारे पास 40 डबल क्रोशिया यहाँ पर बन गए हैं, ठीक है। 40 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 1 2 3 4 चेन बना के उसके पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर हम एक चेन लेकर और एक चेन लेकर और इसके पास वाली चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, तो ये जाली बन जाएंगी, ठीक है। फिर एक चेन लेकर हमें डबल क्रोशिया बनाना है तो ये जाली बन जाएगी। एक एक चेन लेते जाना है, एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है, पूरी रो बना के फिर दिखाते हैं। ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो ये 3 रो हमने बना ली हैं, ये जाली वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हमने ऊन को कट किया है, यहाँ पर स्काई ब्लू कलर की ऊन को ज्वाइन करेंगे और अपने आगे का स्टार्ट करेंगे। तो इसको ज्वाइन करके फिर दिखाते हैं। ज्वाइन करके हमने एक चेन बना ली, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 10 हो गई, 11 12 13 14 15 डबल क्रोशिया
सॉरी 15 चेन होने के बाद अब हम एक चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके पास वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीनों फंदे एक साथ निकालेंगे, फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो हाफ डबल क्रोशिया बनाना है हमें, पहला एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, फिर दो हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, ठीक है। ये देखिए बल लेकर तीनों फंदे निकाल दिए, दो हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक हम बनाएंगे, देखिए इस तरीके से बल लेकर एक डबल क्रोशिया, दो, तीन, चार, जितनी भी चेन थी हर चेन में एक एक हमने डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। इस तरीके से डबल क्रोशिया बना के अब इसको ज्वाइन करना है, जो हमने एक एक चेन का स्पेस दिया था ना उसमें डाल के ज्वाइन करेंगे। तो सेकंड वाले में यहाँ पे बना लिया, एक में बना के सेकंड वाले में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लिया, ये जुड़ गया। अब फिर से यहाँ पर चेन बनाएंगे हम, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, पंद्रह चेन बना ली हमने। सेकंड वाली चेन में डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया हो गया, फिर इसके पास वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, ठीक है। इसके पास वाली चेन में बनाना है, दो चेन में दो हाफ डबल क्रोशिया बन जाएंगी, फिर इसके बाद जितनी चेन बचेंगी सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए डबल क्रोशिया कैसे कहते हैं, बल लेकर डालेंगे दो दो करके फंदे जो निकालते हैं दो बार में, उसको डबल क्रोशिया बोलते हैं। बल लेकर तीनों फंदे एक साथ निकालते हैं उसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं, विदाउट बल के दो फंदे एक साथ निकालते हैं उसको सिंगल क्रोशिया बोलते हैं, ठीक है। और अब हम एक एक डबल क्रोशिया बना के पूरी रो कम्प्लीट करेंगे, इसको पूरी लाइन को कम्प्लीट करेंगे। इसको देखिए सेकंड वाले में डाल के यहाँ पर ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ये दो पत्तियाँ बन गई हमारे पास। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से फिर से चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, ठीक है। सेकंड वाले में एक पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो इसमें देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया, इसके पास वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। इन दो चेन में हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब जितनी भी चेन है हर चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब इसमें डाल के इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, तो बस ऐसे ही पूरी रो बनानी है। अब यहीं से फिर से स्टार्ट कर देना है, तो इसी तरीके से बना लेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है, ठीक है। सिंपल है, जब बन जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो पूरा बना लिया हमने, पूरी रो बन गई। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, जो पत्तियाँ बनाई हैं इसको उठाएँगे यहाँ पर, उनको ज्वाइन करेंगे इस जगह पर, फिर दिखाते हैं। तो ये हमने ज्वाइन करके एक, दो, तीन, तीन चेन लेकर दूसरी वाली पत्ती पकड़ेंगे, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे।
फिर से यहाँ से एक दो तीन, तीन चेन लेके यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए एक दो तीन, और इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो बस तीन तीन चेन बनाते जाना है और इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। ये देखिए, अगर आपको खिंचा खिंचा लगे तो आप चार चेन बना लें, तो हम बना के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमने पूरी रो बना ली है, इस तरीके से आपको ये दिखेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से इसको लेकर आएंगे। पहले हम यहाँ से तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, इसको एक काउंट किया, ठीक है। अब इस वाली जाली के अंदर देखिए, एक दो और तीन, तीन डबल क्रोशिया जाली के अंदर हमें बनाना है, ठीक है। एक हम पत्ती के ऊपर बनाएंगे, यहाँ पर इसके ऊपर बनाएंगे एक, फिर इसके अंदर एक दो और ये तीन, ठीक है। फिर एक पत्ती के ऊपर बनाएंगे यहाँ पर, फिर तीन इसके अंदर बनाएंगे, एक इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें बनाना है, तीन जाली के अंदर बनाना है, एक पत्ती के ऊपर बनाना है। तीन इसके अंदर बनाएंगे, एक दो और ये तीन, ठीक है। एक पत्ती के ऊपर बनाएंगे, इसके ऊपर एक बनाएंगे। तो ऐसे ही पूरी रो बनानी है, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। देखिए, इस पूरी रो को ऐसे ही बनाएंगे, तीन जाली के अंदर बनाना है, एक पत्ती के ऊपर बनाना है। इसके अगली रो में हमें जाली डालना है, ठीक है। जैसे अभी हमने जाली डालना बताया था, वैसे ही नहीं डालना है, थोड़ा अलग तरीके से डालना है। पहले हम इस रो को बना के और जाली बना के फिर दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे ये जाली बनाई थी वैसे ही बनाएंगे, बट थोड़ी सी अलग होगी, हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने एक एक चेन लेकर बनाई है, बट नीचे से एक चेन नहीं छोड़ी थी। अब इसमें हमने क्या किया था, देखिए, इस रो को बनाने के बाद जब जाली डाली थी, तो हमने क्या किया है, इस रो को बनाने के बाद जब जाली डाली है हमने, तो देखिए एक चेन ऊपर ली है हमने, और देखिए एक डबल क्रोशिया बना के, एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लेकर और एक चेन छोड़ी है, फिर एक डबल क्रोशिया अगले में बना लिया, फिर एक चेन लेकर एक चेन छोड़ी है, फिर एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर एक चेन बीच में ली है, एक चेन को छोड़ के फिर इसके पास वाले में डबल क्रोशिया बना लिया। तो एक चेन लेनी है और एक चेन छोड़नी है, ठीक है, तब जाली बनानी है। और फिर जाली वाला डिज़ाइन बनाने के बाद, ये देखिए एक चेन हमने छोड़ी है, एक चेन लेकर बनाई है, ठीक है। एक चेन ली है, एक चेन छोड़ी है, इस तरीके से जाली बनाई है। उसके बाद हमने फिर से पत्ती वाला डिज़ाइन बना लिया, 15 चेन लेकर, जैसे वाली पत्ती बनाई थी। देखिए, जाली बनाने के बाद जैसे हमने पत्तियाँ बनाई थी, वैसे हमने फिर से पत्ती बना ली है, ठीक है। इसको जाली बनाने के बाद जैसे हमने पत्तियाँ बनाई थी, सेम वैसे ही हमने पत्तियाँ बना ली, जैसे ये पत्ती बनाई थी वैसे बना ली है, ठीक है, हर जाली के अंदर। उसके बाद हमने जैसे वाली रो बनाई थी, जाली के अंदर तीन डबल क्रोशिया, पत्ती के ऊपर एक डबल क्रोशिया, वैसे ही हमने इसके ऊपर बना लिया। तो इतना थालपोस बन गया। अब हम झालर बनाना बताएंगे कि कैसे बनानी है, ठीक है। लास्ट की झालर बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चेन बना लें, ठीक है। दस चेन बनाने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, एक दो तीन चार, चौथी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये चौथी वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, ये दो डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास, ठीक है। दो डबल क्रोशिया के बाद देखिए हमें तीन चेन बनानी है, एक दो तीन, वापस इसी जगह सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। फिर से हम तीन चेन बनाएंगे यहाँ पर, एक दो तीन, और इसी जगह डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से तीन चेन लेके एक दो तीन, इसी जगह ज्वाइन करना है इसको, ठीक है। फिर से तीन चेन, एक दो तीन, और इसको एक डबल क्रोशिया काउंट किया, ये देखिए एक और ये दो, दो डबल क्रोशिया बना लिया हमने। फिर तीन चेन बना के
एक दो तीन इसी जगह डाल के ज्वाइन करते हैं, तो ये तीन पत्ती का फूल बन जाएगा। अब एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन बना ली, ठीक है। ये तीन पत्तियों का फूल बन गया हमारे पास, छः चेन बना के अब इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए छः चेन बना ली है, अब यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छठी चेन में डाल के इसको ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से फूल बन गए हैं, ठीक है। अब फिर से देखिए कैसे बनाएंगे हम, इस तरीके से बन गया। फिर से बनाएंगे हम यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चेन लेकर चौथी चेन में डालेंगे। एक दो तीन चार, चौथी वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, दो हो जाएंगी। दो डबल क्रोशिया के बाद हमें तीन चेन बनानी है, एक दो तीन, वापस इसी जगह इसको ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, ठीक है। एक पत्ती हो गई, एक दो तीन, वापस इसी जगह दो बनाएंगे, एक और ये दो, दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन, तीन चेन लेके वापस सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो पत्तियां बन गई। फिर से तीन चेन, एक दो तीन, फिर से इसी जगह दो डबल क्रोशिया, एक और ये दो, ये दो डबल क्रोशिया के बाद तीन चेन, एक दो तीन, वापस इसी जगह ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, और यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच और छः, छः चेन बनानी है, ठीक है। पाँच हो गई हैं, छः, छः चेन बना के इसको ज्वाइन करेंगे हम। एक दो तीन चार, देखिए एक दो तीन चार पाँच और छः, छठी चेन में डाल के इसको ज्वाइन कर लिया। तो इस तरीके से फूल बनकर आएंगे, दस चेन लेके बनाना है, ठीक है। वीडियो को बैक करके आप लोग देख लें और बना सकते हैं आप आसानी से, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। एक बार हम आपको और दिखा दें, पहले दस चेन बनाएंगे, चौथी चेन में डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो, तीन चेन, वापस इसी जगह ज्वाइन करेंगे। एक पत्ती हो गई, एक दो तीन चेन, दो डबल क्रोशिया, फिर से तीन चेन, इस जगह इसको ज्वाइन कर दिया, फिर तीन चेन, फिर तीसरी पत्ती बनाएंगे। ये देखिए ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब छह चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, छठी चेन में डाल के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर देंगे। तो बस हमें ऐसे ही पूरी रो बनानी है, फिर दिखाते हैं। इसमें आप कैसे एक फूल लगा दें, बना के कोई भी फूल बना के लगा दें, तो ये बहुत ही प्यारा सा थालपोस बन गया है। आप इसको अपने पसंद के कोई भी कलर में बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्यारा सा कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। जब तक आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करें। बाय।